दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK त्रिपाठी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फिर त्रिकोणमिति फलनों को याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के मान जैसे 0, 30, 45, 60, 90 अंश पर इन त्रिकोणमिति फलनों का मान कितना होता है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, ट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। अब इस 0 डिग्री के नीचे हम लोग यहाँ पर एक 0 लिख देंगे, 30 डिग्री के नीचे हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, 45 डिग्री के नीचे हम लोग 2 लिख देंगे और 60 डिग्री के नीचे दोस्तों हम लोग 3 लिख देंगे, 90 डिग्री के ऊपर हम लोग 4 लिख देंगे। अब दोस्तों, आप सभी को इन सभी संख्याओं को 4 से भाग देना है, कुछ ऐसे। अब दोस्तों, हम लोग इनका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, फिर इन सभी संख्याओं को 4 से विभाजित कर देंगे और फिर उनका अंडर रूट निकालेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ये बताइए, जब कभी हम लोग 0 से किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें आंसर में 0 प्राप्त होता है और 0 का वर्गमूल भी हमारा 0 हो गया। यहाँ पर दोस्तों, जब आप 1/4 करेंगे तो इसका वर्गमूल हमारा आ जाएगा 1/2। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी वर्गमूल 1/2। अब दोस्तों, जब हम लोग इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/√2 इसका वर्गमूल आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर ये एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगे, तब हम इनका वर्गमूल करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर 3 का वर्गमूल दोस्तों हम लोग को √3 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर 4 का वर्गमूल हम लोग को 2 मिल जाएगा। और जब हम लोग 4 से 4 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और जब हम लोग 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आंसर में 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग ने साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 के मान निकाल लिए हैं। अब दोस्तों, कॉस के मान निकालने के लिए हम लोग साइन को उल्टा कर देते हैं। जैसे जो मान यहाँ आया होगा उस मान को हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो मान यहाँ आया होगा उस मान को हम लोग यहाँ लिखेंगे। कैसे दोस्तों? जैसे यहाँ पर साइन 90 का मान 1 आया है तो हम लोग इसको कॉस 0 में लिख देंगे। कॉस 60, साइन 60 में जो मान आया होगा जैसे √3/2, इसको हम लोग कॉस 30 में लिख देंगे। इसी तरह दोस्तों, जो साइन 45 में मान आया है ये यहीं पर लिखा जाएगा और साइन 60 का मान, साइन 30 का मान हम लोग कॉस 60 में लिख देंगे और दोस्तों, साइन 0 का मान हम लोग 90 में लिख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो दोस्तों, जब हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे यानी जब 0/1 लिखेंगे, तब आप लोग जानते हैं कि 0/1 का मान 0 होता है। 1/2/√3/2 का मान हमारा निकल के आएगा 1/√3। दोस्तों, आप लोग इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग इसका अलग से रफ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, जब 1/√2 और 1/√2 हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जब हम लोग √3/2 और 1/2 को भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम लोग
एक बटे जीरो करेंगे। तो दोस्तों, जब किसी संख्या में हम लोग जीरो का भाग देते हैं तो अनंत आंसर आता है, यानी उस संख्या का भाग जीरो में अनंत बार जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा इन्फिनाइट या अनंत आ जाएगा। अब दोस्तों, आपको याद रखना है ये साइन कॉस टेन आपका निकल गए हैं। अब दोस्तों, कॉट सेक और कॉसेक आपको कैसे निकालना है इसको हम लोग अब समझेंगे। दोस्तों, कॉट को निकालने के लिए ये टेन का उल्टा होता है, तो जो ये मान आए हैं इसको हम लोग पलट देंगे, यानी जो टेन के मान आए हैं इसको हम लोग एक से भाग दे देंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पर जीरो बटे एक का भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इन्फिनाइट आ जाएगा। फिर दोस्तों, हम लोग जब 1/√3 यानी इसको हम लोग पलट देंगे तो इसका आंसर √3 आ जाएगा। इसको जब हम लोग दोस्तों पलट देंगे यानी एक का भाग देंगे तो हमारा एक आ जाएगा, और इसको जब हम लोग पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, जब हम लोग इसको पलटेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 0 आ जाएगा। फिर ये जो sec है इसको हम लोग cos से पलट कर बनाएंगे, यानी ये cos 30 का मान हमारा 1 लिखा हुआ है, उसी तरह sec 30 का मान भी 1/1 = 1 आ जाएगा। sec 30 का मान 1/√3/2 लिखा है cos 30 का मान, तो sec 30 का मान हमारा 2/√3 आ जाएगा। यानी दोस्तों, जो हर है उसको अंश में ले आना है और जो अंश में है उसको हर में ले जाना है। यहाँ पर 1/√2 है तो यह हमारा √2 आ जाएगा, ये दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा इन्फिनेट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, कॉसेक हमारा साइन का भाई होता है, तो यहाँ 0 लिखा है, जब 0 1/0 आ जाएगा तो जब 1 में हम लोग 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर 1/2 लिखा है तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 1/√2 लिखा है तो ये √2 हो जाएगा, ये √3/2 लिखा है तो ये हमारा 2/√3 हो जाएगा। और दोस्तों, ये साइन 90 का मान हमारा 1 लिखा हुआ है और जब हम लोग 1/1 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप त्रिकोणमिति फलनों के मान याद कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ याद रखे बिना, यानी आप सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 लिख के फिर उनको 4 से डिवाइड करके और फिर उनका वर्गमूल निकाल के साइन का मान निकाल सकते हैं। साइन के मान की हेल्प से हम लोग कॉस का मान निकाल लेंगे, इन दोनों की मदद से हम लोग टैन का मान निकाल लेंगे, फिर कॉट से कॉसे को इनको उल्टा करके यानी इनको एक से भाग देकर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कम से कम एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।